फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ना। मैं तो कैसी हूँ आप सबको पता चल जाता है, आप लोग कैसे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। आज एक और चीज होने वाली है, वो क्या है कि मेरी आज ननंद आने वाली है, छोटे ससुर जी और ननंद आने वाले हैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं, वॉच के नीचे लाइट के नीचे वॉच है, इसीलिए आप सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरी ननंद और छोटे ससुर जी आने वाले हैं, उनका कल मतलब मेरी बुआ सास की जी की हाउस वार्मिंग पार्टी है, इसीलिए वो सब आ रहे हैं। कल फंक्शन है, वो आज आ रहे हैं और हमें भी बुलाया है। इतनी गर्मी है, क्या होता है क्या नहीं, कल का कुछ प्लान नहीं किया, पर आज वो लोग आ रहे हैं इसीलिए मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर ली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं किचन में आ गई हूँ। वो मैंने आज लंच में उपमा बनाया था, उपमा है थोड़ा सा, और उपमा मतलब ये राइस फ्लोर का उपमा है, और ये मैंने बनाया है इडली केक। आप लोग कैसे समझेंगे मैं नहीं जानती। इडली केक देखिए पैन में बनाया है, इडली केक मतलब मतलब हम उड़िया में पोड़ो पिठा बोलते हैं, इसका तीखा बनता है स्वीट बनता है। इडली के बैटर में मैंने ग्रीन चिल्लीज, जिंजर और हींग सबको ग्राइंड करके मिलाकर इसे बनाया है। नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ऑयल जाता है, लगाकर हाई फ्लेम में पहले उस बैटर को डाल दिया, थोड़ा 5 मिनट्स हाई फ्लेम में रखकर उसके बाद फ्लो कर दिया। इसे बनने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा, इतना मोटा में डाला है मैंने, उसे तकरीबन आधा घंटा लगेगा। देखते हैं, मेरी ननंद तो आने वाली है, वो अभी तक आई नहीं। घर सुबह से पूरा क्लीनिंग का काम था, मम्मी भैया आए थे, मम्मी और छोटे भाई आए थे। उस दो दिन में मैं व्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाई थी, और आज सुबह से घर की सफाई और बाथरूम क्लीनिंग सब किया है। सुबह से शॉप गई थी, अभी शॉप से आई हूँ। देखिए कितना पसीना निकल रहा है। सुबह 6 बजे हमारे यहाँ इतना अच्छी तरह से 1 घंटे तक अच्छी से बारिश हुआ। 11:30, 11:30 बजे तक तो इतना धूप निकल गया, टेम्परेचर फिर से 38-37 तक पहुँच गया। और हमारी घर की तो हालत आप सब जानते हैं। तो चलिए आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं और मेरी ननंद घर आ चुकी है, और मेरे छोटे ससुर जी घर पे रेस्ट ले रहे हैं। मैं और मेरी ननंद हम दोनों मिलकर, उन्हें कुछ चूड़ियों की शॉपिंग करनी थी इसीलिए हम चूड़ियाँ खरीदने के लिए निकल गए। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस उन्होंने कुछ चूड़ियाँ ली उनके लिए, उनकी मम्मी के लिए। वही हम देख रहे थे, वो भैया दिखा रहे हैं, वो भुवनेश्वर में रहते हैं, तो हमारे यहाँ की चूड़ियाँ यहाँ पे जितनी वैरायटीज़ मिलती है बरमपुर में वहाँ पे नहीं मिलती, वो बोल रही थी। और यहाँ पे थोड़ा बजट में भी मिलता है, भुवनेश्वर में बहुत सब कुछ इतना कॉस्टली होता है। हम लोगों ने 2-3 वो रही, उनका फेस देखिए, उन्हें पता नहीं कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ है कि वो कंफ्यूज हो रही हैं कि उन्हें कौन सा लेना है। 2-3 पैर उन्होंने ले लिया है, और वहाँ से हम 1 घंटा तकरीबन मार्केटिंग लगा, मैं घर आ गई, और वहाँ पे आके उन्होंने बोला उन्हें ऑनियन चटनी खानी है, और मेरे हस्बैंड ने बोला उन्हें राइस खाना है, इसीलिए मैंने फिर से राइस बनाया, पोटैटोस बॉईल किए और ऑनियन चटनी बनाई। रात को सब वो तैयार होके उनके पापा जी की सेवा कर रही हैं।
हम लोगों ने मिलकर डिनर तो कर लिया है, अब तो 2 दिन वो रहेंगी शायद, मैं इसीलिए वीडियोस बना पाऊँगी कि नहीं मैं नहीं जानती। कल वो सब फंक्शन जाएगी पर मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, ये कल रात को तो हम सब लोग डिनर करके सो गए थे, सुबह 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 वो सब निकल गए पार्टी के लिए, फंक्शन था जो निकल गए। मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, मेरे बैक में इतना पेन हो रहा कि मैं मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। बस मैं मेरे मतलब उन वो लंच करने जाने वाले थे इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए शॉप में आई हूँ। और वो सब घर पे गेस्ट होते तो व्लॉग बनाने में इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, इसीलिए मैं उनके सामने व्लॉग नहीं बना रही हूँ। बस मैं आपसे उनको आपसे मिलाने की वादा किया था इसीलिए मैं बस आज थोड़ा सा उनका क्लिप डाल दिया। तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने के बाद मैं फिर से वीडियोज़ बनाऊँगी। मैं आज प्रेस भी नहीं हुई, ऐसे ही आ गई हूँ शॉप में। अगर आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।